इसके बाद बात आती है फॉलोअप की, क्या करना है फॉलोअप। हर कोई आदमी एक ही बार प्लान देखने के बाद डीडी नहीं देता है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है उनकी आदत होती है एक बार बोलने के बाद दोबारा नहीं बोलते, जैसे उसके सारे काम एक ही बार में हो गए थे। आप मतलब मेरे पहुंच का कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे हो, यही आ जाओ फॉलोअप। भाई साहब लोगों के कुछ सवाल रहते हैं, हो सकता है वो बंदा 10,000 रुपए देने से पहले अभी मुझे ध्यान नहीं आया, कल मिलना, नहीं दे पा रहा डिसीजन, डर होता है। किसी बंदे की 3 बीवी भाग गई, चौथी का प्लान दिखाओ क्या बोलेगा? सुशील है, कर्मशील है, खाना बना लेती है, यही बोला था पहले वालों ने, हाथ से 3 बार हो चुके, चौथी के साथ फेरे नहीं ले सकता वो, तो डर है। पहले से 3-3 कंपनी भाग चुकी है। हेलो, कैसे मान ले कि आपकी बढ़िया है? थोड़ा तो उसको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग इस चीज को समझते हैं कि भाई मेरे को गुजारिश करनी पड़ रही है, खुशामत। फॉलोअप को क्या समझते हो? खुशामत करनी है क्या उसकी? इसे खुशामत या गुजारिश नहीं कहते, ये उस बंदे को कन्विंस करने के लिए आपकी ड्यूटी है। आपका सिक्का खरा है, तू ठोक बजा के देख ले, पूरी दमदारी से चलेगा, कहीं भी ठोक बजा के देख ले। यस या नो? एक बार प्लान दिखाने के बाद आपका काम है आपको लोगों से लगातार मिलते रहना है, और जब आपकी लोगों से मुलाकात हो, कई बार हमें सभी सवालों के जवाब पता नहीं होते, और लोग हमें जब कभी अकेले मिल जाए, अगर हमारा अपलाइन संग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो संभाल लेगा, लेकिन हम अकेले मिल गए और फिर उसने कोई सवाल किया तो कई लोग डर जाते हैं, अब क्या करूं। ऐसे टाइम पे महा एकदम आपको शस्त्र दे रहा हूं, महाअस्त्र दे रहा हूं, ध्यान रखना, जब आपको किसी सवाल का जवाब पता नहीं हो और आपका किसी नए बंदे को जिसको प्लान दिखाया था उससे मुलाकात हो जाए, आपको सवालों के जवाब पता है नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे ही नजरें मिले एक बार मुस्कुरा देना है। 70% सवालों के जवाब मिल गए उसको, हम जैसे मिले हमें ऐसे लगता है मैं चूहा ये बिल्ली भाग ले, ऐसा नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, उसने पूछ लिया क्या आपकी कंपनी IRDA में है? IRDA कर रहा क्वेश्चन है भाई, क्या लगता है यशपाल जी को पता ना IRDA इनको ना डॉक्टर साहब? जसवी सर को पूछ, रुक जाओ, जसवी सर IRDA में है क्या? फोन उठ नहीं रहा, बहुत तगड़ा सवाल है सर, पता नहीं मुझे। मुझे पता था, नकली है, नकली तेरी हम, नकली नकली भाग, तू फंस गया, लुट गया, आ रहे फिर वहां IRDA में नहीं है, सॉरी, तो मैं सोच रहा हो तो नहीं सकती। अब यही नहीं पता हमारी कंपनी IRDA वाली है भी या नहीं, कौन सी कंपनी IRDA में होती है? IDSA है, कंज्यूमर एंड अफेयर्स एंड ब्ला ब्ला, उसने ऐसा पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसे सोचते हैं, ये तो मतलब मालूम नहीं, ये तो अजीब क्वेश्चन है। प्रणब मुखर्जी की डेट ऑफ बर्थ बताइए, वाह ढूंढते रहिए। भाई साहब आपको डरना नहीं है, अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दे दो, अगर जवाब मालूम नहीं है एक डायलॉग बोलना, सवाल बहुत अच्छा है, कल अपने अपलाइन के साथ आके मिलता हूं, इधर ही मिलियो, जवाब बराबर मिलेगा, जवाब बराबर मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है यस या नो। और कोई सवाल ऐसा बना नहीं जिसका जवाब आपके अपलाइन के पास नहीं, सारे सवालों के जवाब है, बस आपको मुस्कुराते हुए रहना, रह सकते हैं? लोग पूछते हैं सर एक बार प्लान दिखाने के बाद किसी भी बंदे का कितनी बार फॉलोअप करना चाहिए? 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। मेरा मानना है एक बार प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति को तब तक मिलना चाहिए जब तक वो जुड़ न जाए, या नहीं तो मर न जाए, नहीं तो बीच में छोड़ना नहीं उसको। हमारा जा क्या रहा है, हमारा जा क्या रहा है, जब मिले और क्या हाल है, वो आपकी मुस्कुराहट को देख के मुझे सही चल रही है क्या कंपनी? अरे चल रही है,
अभी तो हाय भगवत गीता आ गई। हाँ वो क्या है, बैठ के सुन ले बस। मुझे तो 16 साल बाद भी कोई बंदा मिलता है BMW का हॉर्न बजाता है, पां पां देखता, ड्राइविंग कर रहा है क्या? नहीं, तेरी भाई की है, आज अंदर बैठ, पॉलअप शुरू। देख इसमें गियर नहीं डालने पड़ते। अच्छा कहां से मिली? सेफ शॉप से। तुझे चाहिए यार, कंपनी दमदार है यार, कुछ भी हो लगा डीडी। हाँ जी प्रबल जी, एक बंदा ज्वाइन हुआ, लगा लो अपने नीचे। ओके सर। किधर भी मिलते हैं, मैं 16 साल बाद भी फॉलोअप कर रहा हूं। आपका क्या इरादा है? जब तक जुड़ न जाए यानी तो मर न जाए। दशरथ राम माझी का जो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ध्यान रखना। यस या नो?